कैसे हो मेरे फेसबुक के बाशिंदों? तुम तो मस्ती रहते हो सालों। यार मेरा नाम है इंसानियत गुप्ता, और दुनिया में जब भी कहीं इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा होता है या फिर किसी के ऊपर कोई दुख बीतता है तो उससे कहीं ज्यादा दुख मुझ पर बीतता है। जितना उसके ऊपर नहीं बीत रही होती उससे कहीं ज्यादा मुझ पर बीत रही होती, जितना उसके परिवार वालों पर नहीं बीत रही होती उससे कहीं ज्यादा मुझ पर बीत रही होती है। और जब तक मैं उस दुख को अपने दोस्तों में ना बांट लूं फेसबुक पर, मुझे सुख की अनुभूति नहीं होती। जब तक मैं 100 पोस्ट न डाल दूं फेसबुक पर, मुझे सुख की अनुभूति होती नहीं। और जैसे ही मैं 100 पोस्ट डालता हूं फेसबुक पर, ऑटोमेटिकली वो जो दुख है सुख में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ड्यूटी खैर दोस्तों हम जानते हैं आजकल कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये जो कोरोना वायरस ने कहीं कहीं ज़्यादा इंसानियत को खतरा पहुंचा है, बहुत ज़्यादा पहुंचा है, मतलब ये समझ लो आपकी। और अगर हम ध्यान से देखें तो कोरोना वायरस सिर्फ एक अभिशाप नहीं है, एक वरदान है मदर नेचर के लिए। किस तरह से आजकल पशु पक्षी खुशी के मारे सड़कों पर आ गए हैं, मतलब आपको बता नहीं सकता। अगर आप कभी कभी 5 बजे सुबह उठकर सुनोगे उनकी मधुर, आप खैर 5 बजे तो मैं भी नहीं उठ रहा, सुनना कभी उठ के उनकी आवाज़, आप कानों में एक अलग ही सुकून की अनुभूति हो रही है। सड़कों पर नए नए जानवर दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनके चेहरों पर एक अलग ही तरह की खुशी है। और उनके जब इन इन जानवरों के चेहरों पर जब मैं ऐसी खुशी देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं इनकी खुशी को देख कर, इतनी मोहब्बत है मुझे इनसे। अरे मटन बनाए खा ले आके गरम गरम। खैर दोस्तों एक बात और, आजकल ये नेपोटिज्म की बड़ी हवा चल रही है, मतलब इस नेपोटिज्म की वजह से जो नई प्रतिभा है उसको मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा। मतलब इस नेपोटिज्म की वजह से जिनको एक्टिंग का ए भी नहीं आता है उनकी फिल्में 100-100 करोड़ कमा रही हैं, क्योंकि मैं तो जा नहीं रहा देखने भाई, मैं तो सिर्फ प्रतिभा वालों की फिल्में देखने जाता हूँ जिनमें प्रतिभा होती है। लेकिन इस नेपोटिज्म की वजह से नई प्रतिभा बिल्कुल आगे नहीं आ पा रही है, बिल्कुल आगे नहीं आ पा रही है। इस नेपोटिज्म ने अच्छे अच्छे कलाकारों की मतलब नाक में दम कर रखा है, ये समझ लो आप। हैं इस नेपोटिज्म के बच्चे की वजह से, एक मिनट दोस्तों जरा फोन आ रहा है। हाँ क्या हुआ, पिक्चर देख रहे? कौन सी? उमर का है? उमर था? ओ क्या क्या मरता? उमर उमर था? ये क्या है? अरे सुन रेस्तरी आई है भाई, अरे रेस्तरी देखने चल रहे तो टिकट बुक कर। अरे जैकलिन भाभी सोनी है नी नशा तेरा करके ए रांझा ये ता। अच्छा चल ठीक है, मैं फोन कर रहा हूँ थोड़ी देर, रुक जाना है मैं बात कर रहा हूँ। हाँ दोस्तों तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस नेपोटिज्म की वजह से नई प्रतिभा को बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा है, और इसके जिम्मेदार सिर्फ नेपोटिज्म है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है बिल्कुल, ये समझ लो आप। और खैर जाते जाते बस यही कहूंगा कि अपना ख्याल रखो, और इस वक्त अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखो, खास करके अपने फेफड़ों का। इन फेफड़ों को जितनी हो सके शुद्ध हवा दो और इनका ख्याल रखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन दिनों जरूरी है। ठीक है यार, फिर से किसका फोन आ रहा है ये? हाँ भाई क्या है? हाँ तो चल लेना, क्या हो गया? ठीक हाँ ठीक है, आजा चल। ना 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 मैं यहीं हूँ, ठीक है आजा। कितने बजे निकल रहा है? 6 का है ना? हाँ 5 बजे निकल लेते, ठीक एक मिनट। चलो तो फिर आए दोस्तों, ख्याल रखो, और अगली बार फिर से दुख व्यक्त करेंगे फेसबुक पर जल्दी आके। चलो है।